अरे शाम कैसा मोबाइल है? यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या देना चाहोगे? अरे गाड़ी है तो भाई बंद हो यहाँ पे, सुना नहीं। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आप थोड़ा क्या देना चाहोगे? ज़ियारत के लिए आए थे वो भाई, साहिब ने बोला बहुत अच्छी जगह है ज़ियारत के लिए जाना। वो आ गए मेरे पब्लिक आ रही है, अरे चुप रहे। शर्लिन जी, एक कुल आप सबको कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक, भाई हाथ डालो थोड़ा, अल्लाह अहद है। पूरे कायनात में अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। ये धरती, ये आसमान, ये सब अल्लाह ताला का है। तो हम यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं, हम उनके सजदा में अपना सर झुकाते हैं। हम इस्लाम धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप सब ने देखा कि कैसे शैतान एक फर्जी मुसलमान के भेस में उमरा के लिए जाता है, और वहाँ पर क्या करता है शैतान? वहाँ पर अल्लाह की इबादत करने के बजाय वो इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाता है। काबा के पास खड़ा होकर वो शैतान अपने सेलफोन पर नौटंकी की वीडियो शूट करता है। सच्चा मुसलमान काबा के सर में, काबा के सामने सर झुका कर अल्लाह की इबादत करता है। लेकिन वो शैतान एक फर्जी मुसलमान के बेस में वो क्या करता है? नौटंकी वीडियो शूट करता है काबा के सामने खड़े होकर। क्या अल्लाह ऐसे फर्जी मुसलमान, ऐसे फर्जी मुसलमान को माफ कर सकता है? क्या आप भी उमरा करने जाने वाले हैं क्या? किशन मोबाइल पीछे ले लो। मैंने बहुत सारे उमरा किए हैं। जब मैं जाऊंगा, मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कोई कैमरा मैन या फोटोग्राफर, मतलब मैं लेके नहीं जाऊंगा। जब मैं उमरा जाऊंगा, बाहर आऊंगा, जब वापस आ जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैं उमरा गया था, अल्लाह मेरे जाने से पहले ये कहूँगा मैं उमरा में जा रहा हूँ, दुआ करना। आने के बाद बोलूँगा उमरा से वापस आ गया, मैं कोई फोटोशूट के लिए नहीं जाऊँगा। मैं उमरा दिल से, मेरे रसूल से, मेरे रब से क्यों दे रहे हैं करने के लिए। आदिल जी आप पर गंभीर आरोप जो है राखी के लगाए हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? किस एक सेकेंड यहाँ पर इतने सारे मुसलमान भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों से जानना चाहती हूँ, उमरा पर जो जाता है क्या वो जाने से पहले कोई फर्जी आरोप लगा सकता है? नहीं। कोई फर्जी कंप्लेंट कर सकता है? शैतान के भेस में एक फर्जी मुसलमान हमारे बीच में रह रहा है, और उस फर्जी मुसलमान ने हम पर एक फर्जी आरोप लगाया और हमारे खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट की उसने। आज मैं हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से जानना चाहती हूँ कि क्या शैतान के भेस में कोई फर्जी मुसलमान जमात को दीन के रास्ते से भटका सकता है? बिल्कुल नहीं। किसन मोबाइल पीछे ले बाबू, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, कितना जूम कर रहे हैं, इस्लाम धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। आप सब बताइए मुझे, शादीशुदा होते हुए क्या कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकती है? उस महिला ने, उस शैतान ने, उस फर्जी मुसलमान ने शादीशुदा होते हुए आदिल भाई के साथ शादी करी? ऐसा कौन कर सकता है? क्या हमारे देश का कानून इस बात के लिए इजाजत देता है? क्या शरिया कानून इस बात का इजाजत देता है? इस बात की इजाजत कोई कानून नहीं देता है। शर्लिन आप क्या मजहब, ये जो मजहब के ऊपर आप जब बात कर रही हो, तो क्या राखी के ऊपर आप एक्शन लेने वाले हो क्या? ये जवाब बताएंगे, कुछ लीगल पॉइंट्स हैं उनको ऐसा है कि जब आप उमरा जाते हो, जब आप उमरा जाते हो तो उमरा जाने के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उन चीज़ों का ध्यान कि आप किसी मुसलमान कौम को या एक रिलीजन को सेंटिमेंटली हर्ट नहीं करो।
आज राखी के जो मुद्दे को लेकर है कई सारी कंप्लेंट हुई है, कई सारे केसेस फाइल हुए हैं, उसमें अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इनकी क्या जो शादी हुई है वो वॉइड है या नहीं है। अगर इनकी शादी वॉइड है तो वैसे भी वो मुसलमान चीज़ के अंदर है नहीं, उन्होंने खाली अपना नाम फातिमा रखा, तो नाम फातिमा रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। उसके बहुत तरीके फॉलो किए जाते हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, पासपोर्ट होता है, गैजेट होता है, उनका वीज़ा के ऊपर क्या नाम है, उनका जो शादी हुई है उसके ऊपर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो राइट है क्या? जस्ट बिकॉज कि आपका अगर आदिल से झगड़ा है तो आप एक 30 करोड़ मुसलमानों का एक मजाक नहीं बना सकते हो, और उमरा पे जाकर आप एक यू नो ऐसे वीडियोस बना करके मैं और आदिल आने वाले थे ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेकर हमने फॉरेन मिनिस्टर को भी हम अप्रोच कर रहे हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को, सऊदी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से अप्रोच कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे लीगली, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे उसको लेकर हम आप सबके सामने आएंगे, क्योंकि अगर वो मुसलमान हुए हैं तो किस हिसाब से हुए हैं, वी आर वेरी हैप्पी। अगर उन्होंने कोई चीज़ को चूज़ किया है तो वी आर वेरी हैप्पी कि अगर उन्होंने हुआ है तो वो आके डॉक्यूमेंट्स सामने लाए, उस चीज़ को मीडिया के सामने पेश करें, तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। पर अगर खाली पब्लिसिटी स्टंट के लिए अगर वो चीज़ किया गया है तो हम उसकी गहराई तक जाके उस चीज़ को सामने लेकर कल के एक बाइक जिंदगी मेरी जिंदगी को राखी ने मजाक बना के रखा है। 4 महीने पहले ब्रेकअप पार्टी करती है, कल बोलती है कि वो मेरा हस्बैंड है। मैंने इसकी कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, क्या बोल रही है राखी उसमें साफ साफ कि तुम्हारा हक कहाँ है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। मीडिया में क्या बोलती है, आदिल मेरा हस्बैंड है। 4 महीने पहले ब्रेकअप पार्टी करती है, उमरा में जाके बोलती है कि आदिल ने मुझे धोखा दिया। मेरी जिंदगी को मजाक बना के रखा है, रिलीजन का मजाक, मुसलमानों का मजाक, मेरा मजाक, शादी का मजाक। खुद उनकी स्टेटमेंट्स 2 मिनट में बदल जाते हैं। वीडियो में आप लोगों को बोल रहे आदिल तो मेरा आज भी क्या है, नहीं आज भी नहीं, हस्बैंड है। और मुझे मैसेज क्या करती है, मैंने जो दिखाया है तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, बोला माफ भी। और उसी के साथ साथ उसने बोला भी वो राखी एक मिनट सॉरी राखी को राखी मुझे माफ करी ऐसा वो बोला, जेल में गया हूँ मुझे माफ करना है राखी को, राखी कौन होती है मुझे माफ करने वाली, राखी को जितना करना है राखी ने किया है। हस्बैंड भी कल बोला, मतलब कल फर्जी मुसलमान राखी सावंत ने आप सर हमने देखा कि कैसे उसने जश्न मनाया तलाकशुदा होने पर, और फिर वही तलाकशुदा महिला फर्जी मुसलमान उमरा के लिए जाकर वहाँ पर इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाती है, अल्लाह की तौहीन करने की हिम्मत करती है। वो फर्जी मुसलमान, वो शैतान। मैं कहूँगी कि हमें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो फर्जी मुसलमान जमात को दीन के रास्ते से गुमराह करना चाहता है वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। आप अल्लाह से मोहब्बत करो, आप जानो अल्लाह को, अल्लाह ताला को जानो समझो। जो चलो भाई चलो यार, आप देख सकते हैं कि एक फर्जी मुसलमान की नौटंकी के वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। आप नीचे हमें यहाँ पर रोड पर खड़े होकर अपनी सफाई देनी पड़ रही है। चलो बाद में मिलते हैं। फर्जी मुसलमान शैतान पाकिस्तान थोड़ा पीछे सुधर जा, अरे भाई भूम थोड़ा नीचे रख लो, घूम कर लेना भाई, वो घूम में जाना, 1-2-1 करना घूम के। बार बार यही कहूँगी।
रहेगा कि इस्लाम धर्म क्या है। गवर्नमेंट की जस्टिस पर आज चल रहा है कैंपेन, क्या कहना चाहोगे? मैं इनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँ क्योंकि ये सच है, ये सच बोलते हैं और सच्चाई ये है कि इनके साथ बहुत ही इनका घूम हटा हुआ है। पूरी जिंदगी को फर्जी मुसलमान राफी सावंत ने बर्बाद कर दिया, शादी शुदा होते हुए इनके साथ शादी करी। हमारा बहुत प्रॉपरली हम निभाएंगे, पूरी जिंदगी हम निभाएंगे, तो सोच समझ के बात करें। एक फर्जी मुसलमान ही भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगा सकता है, एक सच्चा मुसलमान ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। वो फर्जी है और फर्जी रहेगी, क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह के लिए कोई चाहत नहीं है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि बहुत जल्द वो अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू करे, वो जाने कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चाहते हैं। जस्टिस फॉर आदिल के लिए जो लॉ फर्म और आपके वकील जो एडवोकेट, अरे भाई बूम हटा लो ना भाई, कौन है ये? मेरे वकील से ज्यादा वो मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे लिए जस्टिस के लिए आगे खड़े हैं। वो सिर्फ लॉयर किसी का भी केस नहीं लेते हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं ओनली बिकॉज़ उनको पता है मेरे साथ बूम डालने नीचे ना सब बूम डाल वीजा के लिए। वो सामने आए मीडिया के और बताए कि क्या उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो सके कि वो मुसलमान बन गई है। आदिल भाई ने राखी सावंत के साथ उस मैरिज सर्टिफिकेट में राखी सावंत का नाम राखी सावंत ही है, फातिमा नहीं है। भाई चल जाओ ये गाड़ी से, हाँ राजा ऊपर करते इधर। ए राजा क्या कर रहा है तुम लोग यार, किसी काम के नहीं। आदिल भाई चलो, पाल भाई ये जाओ यार, अजू भाई पार्टी में आ रहे हो भाई? पार्टी में आ रहे हो नहीं आ रहे हो आप? हाँ राखी ने बोला कि आप आ रहे हो तो वो नहीं आएंगे, शायद आएंगे, आप नहीं आ रहे हो तो क्या पता आ जाए। आ जाओ आ जाओ, हाँ शायद आएंगे। तो आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप भी आ जाओ ना। क्या हुआ बता दो, कंफर्म आ जाओ आ जाओ। ठीक है एक ब्रेक थोड़ा, एक नीचे आना पड़ेगा, हाइट दो। Thank you.
जो कि दोबारा रुकिए 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 राजश्री जी यार, अरे इधर देखिए अच्छी लग रही है। चल इंटरव्यू करते हैं। अरे 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 रुक जा रुक जा मैडम 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 है यहाँ पर थोड़ा घूम जाइए ना मैडम। फूल से ज़्यादा सुंदर आप लग रहे हैं, फूल से सुंदर आप लग रहे हैं, फूल से ज़्यादा सुंदर लग रही है। अरे क्या बात, फूल से ज़्यादा सुंदर लग रही है। मिल जाए तो ठीक है, कुछ अरे देखो बोल के ही निकले थे, हीरो मत बनो बे। आइए हम लेते हैं आप भी लोगों करा रहा क्या सेटर आज यही चलेगा। अस्सलाम राजा राजा मोबाइल जय सलाम क्या बात है राखी जी भूल जाते हैं। चलो अंदर चलो चलो राखी जी रुकिए बंदे को लेके जाओ। हरे कृष्ण थोड़ा पीछे हो रहे थोड़ा पीछे राखी जी आए थे अरे भाई आप हट जाओ ना यार आप हट जाओ। राखी जी वेट 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 राखी जी फोटो नहीं मिला है थोड़ा पीछे पीछे राखी राखी पीछे पीछे अरे अनिल भाई अरे अरे पानी जा रहा तो मैं क्या करूं पीछे आओ ना
आराम से आराम से आराम से राखी जी की आवाज आ रही है। चले अरे राखी जी सामने देखिए, अरे अंदर चले राखी जी। आपको पता है कि नहीं? नहीं, नहीं पता। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अब आपको पता है कि नहीं मेरी क्लोन ने क्या किया? क्या किया? मैं मक्का मदीना पहुंच गई, ये लोग यहाँ कोई दरगाह वरगा पहुंच गए। पूरे हिंदुस्तान को, वर्ल्ड को मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो माल्टा लेके नंगी घूम रही थी उसे मैंने पूरे कपड़े पहनवा दिए, अबाया पहनवा दिया, बुरखा पहनवा दिया। सबको शुक्रिया, मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको कहा उन्होंने? आपने देखा कि मेरी क्लोन जो है, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ तो वो पहनती है, साड़ी पहनती हूँ तो वो पहनती है, मैंने बुरखा पहना तो उसने पहन लिया। ओह माय गॉड। चलो अंदर बाइट करते हैं। आइए अंदर। अंदर 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 जो भी हड्डिया हड्डिया आराम से आराम से लग जाएगा। डिजाइनर है क्या है बताइए राखी जी। चलिए अरे लग जाएगा। अमित सर का, अमित सर को बुलाइए अमित सर के लिए। देश की शान आज तक की आन बान शान हमारा शेर है। आ रहा उनके ठीक है, चलिए तो सही है। राखी जी आपके फैंस। राखी जी अमित त्यागी जिंदाबाद। अरे थोड़ा थोड़ा अंदर चले, अंदर चले, अंदर करते हैं। धीरे धीरे लग जाएगा। पीछे देखो, पीछे देखो। चलिए ना प्लीज, चलो चलो पीछे चलो। ब्रांडेड है, ब्रांडेड है भाई। पीछे जाते जाओ। आदिल ने तो कभी जिंदगी में ब्रांडेड कुछ पहनाया नहीं, अब मुझे दुनिया के लोग पहना रहे हैं। उन्होंने दुबई में तो बहुत सारी शॉपिंग कराई थी, बड़ा ज़ारा, ये वो बहुत सारी बातें की। अरे आ जाओ पहले, चलो चलो अंदर 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 अंदर। धीरे 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 लग जाएगा, पीछे देखा लाइट गिरेगा, लाइट है पीछे, लाइट है पीछे, लाइट है, संभाल के गिर जाओगे। राखी जी इधर, इधर भी, इधर इधर। लेडीज सर यहाँ पर सब लोग ये भाई म्यूजिक बंद करो, बंद करो नहीं तो पाते नहीं म्यूजिक। अरे भाई राकेश भाई चांदे जी का बहुत ही पुराना रिश्ता मेरे भाई है और दोनों ही भाई मेरे भाई हैं। तू आगे आ गए, मैं आगे आ गया। अरे जब तो जो पूरा काम है आगे वो म्यूजिक बंद करो। सब चांद चांद पर पहुंचे, आज तक का टैग भी चांद पर हम लोग लहरा ही देते हैं। राखी जी क्या कहना चाहोगे अमित सर की? ऐसी कौन सी खासियत है जो आप बताना चाहिए, जो अच्छी क्वालिटी जो अमित सर की? अमित सर, अमित भाई बहुत ही अव्वल नंबर जर्नलिस्ट है और इनके जर्नलिज्म में बहुत सच्चाई है और वो मतलब जो देश तक खबर पहुंचाते हैं वो पूरी पूरी सारी सच्चाई की पूरी रियल खबर पहुंचाते हैं और इंसान अमेजिंग है। जब भी मैं बिग बॉस में गई आप हमेशा आए हैं, आपने हमेशा सपोर्ट किया है और बहुत ही मतलब अच्छा लगा है मुझे। और आज अमित त्यागी जी का बर्थडे हो और सरप्राइज पार्टी आज शुरू करी है और मैं यहाँ आई हूँ अपने अलग अंदाज में। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं उमरा गई, उमरा से आने के बाद मैंने पूरा एकदम अपना लुक बॉलीवुड में चेंज कर दिया,
आप जानते हैं, चाहे स्वयंवर हो, चाहे टॉक शोज हो, चाहे डांस हो, चाहे रियलिटी शो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे एनी काइंड ऑफ आइटम सॉन्ग्स हो, मैंने हमेशा ट्रेंडिंग किया। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, क्या लगता है कि बॉलीवुड में मेरी एक क्या जगह है? जो मैं कहूँगा कि राकेश पानी की तरह है जो बदल जाती है। मतलब जैसे मेरे कहीं का पहला इंटरव्यू किया था हर रियलिटी शो में, बोला मैं बिग बॉस में भी गया था, तभी मेरे सामने मेरा पहला सवाल मैंने सलमान खान को बोला कि राखी तो इस घर से पुराना नाता है, सीजन वन से लेकर 15 तक राखी आ चुकी है और आज मुझे राखी को इसलिए दुबई में हूँ। दुबई से आपको नहीं लगता कि दुबई आ गया? अभी भी कम से दुबई एक्चुअली मेरा लुक इसलिए है कि मैं अभी उम्रा करके आई हूँ और अभी मैंने सारी ज़िंदगी एक्सपोज किया है, सारी ज़िंदगी ग्लैमरस कपड़े पहने हैं, तो मैं हमेशा ट्रेंडिंग मेकर हूँ अमित जी। तो हर रोज़ देखती हूँ कि अब लड़कियाँ, हमने भी एक्सपोज किया है और अब मार्केट में कपड़े ही नहीं बिक रहे हैं, बोलते कपड़े कोई पहनता ही नहीं है बॉलीवुड में, तो बिक ही नहीं रहे। तो अब इसलिए मैंने अपना जो आपके बर्थडे पर स्पेशली ये लुक, मैं अफगानी लुक जिसको कहते हैं, अफगानिस्तान का अफगानी लुक, जी जी खुदा खुदा पर जो अफगानी लुक जो है, मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, मुझे खुदा कबूल और खुदा को मैं कबूल, और मैं खुदा से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने भाई अमित त्यागी के लिए। दुआ करना चाहूँगी कि आज तक हमेशा तक ये हमेशा, और आप बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, हम जियो हजारों साल, ये मेरी है अमित भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू अमित भैया। क्या बात है, एक नंबर एक नंबर अमित भैया। हम जी दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ हमारी हिंदी लैंग्वेज बन रही है वहाँ पे मैं सबको कहना चाहती हूँ, मर्लिन खोपड़ा जी को मैंने कपड़ा पहनाना सिखा दिया है। मर्लिन खोपड़ा जी को देखिए, ये एक ऐसी स्त्री है जो अपने माल्टा खरबूजे लेकर पूरे बॉलीवुड में घूमती थी, लेकिन आज सारा आशीर्वाद सबको मुझे जाना चाहिए, अब हमने इनको पूरे कपड़े पहनाना सिखा दिया है। आज तो उन्होंने अबाया भी पहना है, बुरखा भी पहना है, और मुझे बेहद खुशी है कि वो अल्लाह का नाम भी ले रही है, तो अल्लाह उन्हें खुश रखे हमेशा। राखी जी, जी वो मेरी क्लोन है और हमेशा क्लोन रहेगी। राखी जी, जब तक कि आप अबाया नहीं पहनती थी, जब तक कि आप किसी का नाम नहीं रखती थी, अभी आप अबाया पहनती थी, किसी का नाम रखते हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जवान होने वाली है, कितनी एक्साइटेड है जवान देखने। जी आज ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ, शाहरुख जी, राखी सावंत जवान के गाने के लिए अपने पूरे 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 बाल मुंडवाएगी। मतलब मैं भी जो उन्होंने गोल्ड लुक किया है, मैं भी पूरे बाल मुंडवा के वही डांस करूँगा। कब 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 मैं बहुत जल्दी है, आप बताइए, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, वही बहुत बड़ी बात मैं करूँगी शाहरुख जी के लिए, क्योंकि मैं शाहरुख की डिस्कवरी हूँ, मैं हूँ ना, मैं उन्होंने मुझे चांस दिया। लेकिन फिर इसके बाद आप उसके बाद शर उसके बाद आप अबाया छोड़ दोगे, क्योंकि आप मतलब बाल मुंडवा नहीं, उसके बाद मर्लिन खोपड़ा भी अपने बाल मुंडवा लेंगे। राखी जी, आपका नया गाना कब आ रहा है, खुद को बता दीजिए। राखी जी, आप वेब सीरीज कब आ रही है? राखी जी, शर्लिन आ गई है। राखी जी, सब राखी जी उधर है, क्यों भाग रहे हैं? राखी जी उधर है। अरे ऊपर जा, ऊपर ऊपर जा, ऊपर चलो सरली जी, गले लग जाओ, भूल जाओ पूरे बातें, आपकी दोस्त हैं दोस्त। लग जा गले, लग जा गले,
ड्रामा खत्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग, क्या बात है राखी जी, क्या म्यूजिक बजा रहे, क्या डांस कर रहे हैं सर लीन, एक साथ में, एक साथ में फोटो हो जाए, एक सर लीन जी नाइट डांस, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, हां जगह दे दीजिए, जगह कुर्सी पे नाम नहीं लिखा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हां बैठो 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 सर लीन, हां आ जाओ, क्या बात है, क्या बात है, अमित सर, अमित सर आ जाइए, आगे कोई आना नहीं है भाई, हां बिल्कुल मत आना, राखी जी, राखी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फायर, चले चले लग जाओ, भारत दे दो, 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 सुखा में देर रही, पप्पी दे, पप्पी सुखा में देर रही, पप्पी दे दो, पप्पी बिल्कुल दे दो, बिल्कुल आओ, अमित सर आप पीछे आए ना, पीछे अमित सर, सनीन मैं आपके साथ हूँ, क्या बात है, आपके साथ है, भारत दे, भारत दे, राखी ने क्या बोलती है, माल्टा, वाटरमेलन, वाटरमेलन, नहीं नहीं घर क्या है, अमित सर के लिए गाना गाइए, अरे अमित सर के लिए गाना गाइए, अमित के लिए गाना गाइए, बीच में ले लो, अमित सर आप, अमित सर आप सेंटर में आइए, अमित सर आप सेंटर में आइए, आप सेंटर में आइए, सेंटर में, सुपर हिट, सुपर हिट, मैं साड़ी पहनती हूँ, ये साड़ी पहनती, मैं शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, ये पहनती, मैंने अबाया पहना, आज मैडम ने भी अबाया पहना, एटलीस्ट हमने इनको कपड़े पहनना तो सिखा दिया, दिल से दिल जुड़ गए ना आप लोग, इसलिए हो रहा है, दिल से दिल जुड़ गए, हम गाना गाएंगे, गाइए गाना गाओ, आपको बता दो, कुछ बता रही थी, बताओ, नहीं बोला बताने वाली थी, हाथ थोड़ा ऊपर रखना यार, माइक तो इधर है, माइक तो इधर है, मैडम आप कुछ बोलने वाली थी, बोलिए बोलिए, आप बताइए बताइए, सभी कुछ बताने वाली थी, अच्छा इसको निकालिए, इसको निकालो, इसे निकालिए, अरे कुछ भी निकालना नहीं आता यार, कैसे खतेगा, ये लो तुम्हारा चक्कर में भी चला, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, क्या बात है, भय का गम हमें इनाम दिया, पता ही नहीं था सिंगर क्या, अरे कौन है नीचे भाई, कौन लो चुरा लिया है, नीचे कौन है, दिख जा, ये गाना मेरे लिए है, नजर नहीं चुराना, पीछे ले, आगे जाओ ना, कुछ बोले सर, बोले 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 बोले, थोड़ी देर पहले बोला था राखी, अरे ये सब छोड़ो, ये सब बात खत्म कर, आपने कहीं का भी बोला था, एक सेकंड बात नहीं करते, लास्ट कुछ बोल, सुनना भाई, अरे राजा थोड़ा ऊपर, लास्ट इन्होंने मुझ पर फर्जी आरोप लगाया, इसलिए मैंने ये फर्जी मुसलमान का, और थोड़ी देर पहले आपने बोला था, मुझे आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ, जिस दिन मैं उमरा जा रही थी, मुझे मेरे करियर की, मेरे कर्म भूमि की कसम, मुझे मेरी माँ की कसम, उस दिन मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया गया,
नहीं आप लोगों ने नहीं, मैं वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही, तीन नाम मैंने दिए, आदिल तुम्हारा राशि का। लेकिन मैंने राखी जिंदगी में कब आपके मैंने कब आपके साथ गलत किया? नहीं मैं एक बात बता रही हूँ, कामे बे भाई नीचे बैठ, कामे ए भाई हीरो जी, तू भाई थोड़ा सा कैमरा नीचे करो, लाइट आ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अरे अरे क्या क्या फोन आ रहा है यार, अबे जीतू भाई थोड़ा नीचे, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। अरे मैडम चलो यार, ही दोस्ती पक्की, दोस्ती पक्की होगी, घर क्या बना पड़ा टैगी भाई को बुलाओ। काम भाई थोड़ा नीचे बैठना यार, बट प्लीज सी दिस इज अ वेरी बिग थिंग व्हाट यू सेड। देखिए मैं इसकी बात पे, मैं शर्लिन जी की बात पे इसीलिए यकीन कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने कुरान शरीफ जो पाक पवित्र आसमानी हमारे अपने कसम खाई है कि आप मुझे मैंने कहा तुम इतना निभाओगी मैं तुम्हें अपनी जान दे दूँ। एक फोटो ले कैचअप पार्टी, कैचअप पार्टी कहाँ पे? अरे कैचअप पार्टी, कैचअप लेके आना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, हाँ सनी जी अच्छा
राजा कौन सी पार्टी? ये निंजा कौन सी पार्टी? लाइट जलाओ। अरे भाई रुक जाओ, बंद हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कर दोगे, राइट? अभी दोस्ती के हाथ बढ़ा दिए थे। कल से हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को सकारात्मक ऊर्जा देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे और एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया राखी के लिए, क्योंकि मैंने दिल से उनको अपना बहन माना था, और क्योंकि दिल से बहन माना इसलिए मैं उनके लिए मैसूर गई थी। क्या कर रहे हो यार? उनके लिए काफी गुहार लगाने धक्का नहीं मार रहा। और आज जब दोबारा हमारा मैचअप हुआ, उन्होंने यही कहा कि आगे चलकर अगर कोई मन मुटाव होता है, कोई बात अगर हमारे बीच में आती है, तो हम आपस में मिलकर उसे सुलझाएंगे, ना कि मीडिया के सामने आकर एक दूसरे की लेकिन पूछेंगे कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं गिनने वाला हूँ यार, पकड़ो के खिलाफ जो भी है, मतलब जो मंडल हो रहा है, आपने जो केस किया था, तो आदिल की अगर आदिल ने पूछा तो आप क्या जाओ? सलिंगी आंसर तो दे दो। अरे पंडित जी आगे, पंडित क्या देना चाहिए राखी जी? अभी अरे माइक नीचे ले भाई, राखी के सामने है। कल अगर आदिल ने कहा शलिन को शलिन ने मेरा साथ छोड़ दिया, अभी आप राखी के मतलब साथ या खिलाफ नहीं हो, तो क्या जवाब रहेगा? आदिल भाई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास उनकी लीगल टीम है, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई में मेरा क्या रोल है? मुझे दिक्कत इस बात से हुई थी कि राखी ने मुझ पर एक फर्जी आरोप लगाया। राखी को अच्छी तरह पता है कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, और जिसको लॉ की समझ होती है वो सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसा अपराध क्यों करना चाहेगा? लेकिन शर्ली है? है? ने से कहा कि अगर राखी सावंत के आरोप में गलत मुझे इस अपराध की सजा भुगतने को मैं मानती हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने अपराध किया हो तो सजा दे, मैं भुगतने को तैयार हूँ। साइबर क्राइम में मैंने 3 लोगों का नाम दिया था, शर्ली, आदिल और राश्रिका। मैंने कहा कि मुझे आधे घंटे पहले ही आदिल ने बोला था कि मैसेज था मेरे पास कि तुम देखो तुम्हें मैं कैसे बर्बाद करता हूँ, और मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था, सुबह मेरी 6 बजे उमरा की फ़्लाइट थी, मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था कि ये मेरा सोशल मीडिया जो मेरी ब्रेड एंड बटर है, मेरा इंस्टाग्राम, तो मैं और मेरी टीम उड़ा देंगे। लेकिन उनकी टीम का मतलब राखी ने कहा कि मतलब उनको पूछा गया आपने भाई क्या कर रहे हैं? पति पत्नी का झगड़ा कोर्ट में है, ठीक है, वो मीडिया ट्रायल करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि पति पत्नी के बीच में आपका मतलब शर्लिन का कोई काम ही नहीं है। हम दोनों लड़ रहे हैं, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। शर्लिन वो नहीं चाहिए यस, तो यही कहना चाहती हूँ शर्लिन चोपड़ा जी को कि आप पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी ना बनिए। मैं कबाब में हड्डी कभी नहीं बनी, ना ही आप एक
गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त ही रही है। कबाब पसंद है। देखिए, उन्होंने जब मेरा नाम लिया, जब कहा कि शर्ली चोपड़ा पर मुझे शक है या उन्होंने ये आरोप लगाया, तब मैंने रिएक्शन दिया। पूरी दुनिया में तीन लोगों ही मेरे खिलाफ थे, तो मैं किसका, मैं क्या पड़ोसी का जाके नाम दूं? अच्छा चलो, क्योंकि जो मुझे आदिल खान दुरानी ने बोला था कि मेरी टीम, अब मेरी टीम कौन सी टीम? क्योंकि वर्ल्ड में तो तीन ही लोग दिख रहे हैं, तीन बिगाड़ा इनका, तीन बिगाड़ा मेरा काम बिगाड़ा। अच्छा चलो ठीक है ना, हम लोग क्या रहे हैं, कर दूंगी मैं, कर दूंगी मैं क्या सबका खात्मा, क्योंकि मेरा नाम है फातिमा। और रही बात कोई निजी रंजिश की, तो जो भी है हम आपस में बैठकर उसे सुलझा लेंगे। यू मीडिया के सामने एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। चलो ओके, ये बात सही है। अब सो सब ग्रुप लेफ्ट करो। हाँ सब ग्रुप, राखी हाउ आर यू ट्रैवलिंग बाय? चलो ठीक हो गया आज तक की गाड़ी में जा रहे हैं।